ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चातुर्मास के बारे में हम कोई सुन रहे हैं। चातुर्मास व्रत होता है, ये जो चातुर्मास रहेगा पूरे वर्ष में, पूरे संवत्सर में, चार मास का जो कालावधि होता है उसको चातुर्मास बोलते हैं। ये चातुर्मास की शुरुआत जो होती है ना, वो आषाढ़ शुद्ध एकादशी से होती है और समाप्ति जो होती है चातुर्मास की, वो देव प्रबोधिनी एकादशी को यानी कार्तिक शुद्ध एकादशी को ये चातुर्मास की समाप्ति रहेगी। तो पहली है देव शयनी एकादशी आषाढ़ मास में, दूसरी है देव प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक मास में। हम निसर्ग की ओर यदि इस काल में देखेंगे तो पूरा चैत्र मास, पूरा वैशाख मास या ज्येष्ठ मास, इसके ओर हम देखेंगे तो सूर्य की गर्मी बहुत बढ़ती ही रहती है। बहुत सारी जगह पे सूर्य नारायण जी की धूप रहेगी, उष्मा बढ़ेगा और उष्मा से पूरे जो घास रहेंगे कोई पर्वत के ऊपर या कोई टेकड़ी के ऊपर, वो सभी सूख जाएंगे। लेकिन जब आषाढ़ मास आएगा तो बारिश का सीजन शुरू हो जाता है, यानी वर्षा ऋतु हमारे यहाँ शुरू हो जाता है। इस वर्षा ऋतु में सूर्य नारायण जी की वजह से ही सब ऋतुओं का आगमन हमारे यहाँ हो जाता है। वैसे तो सूर्य नारायण जी जब आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं वो ही वर्षा ऋतु का प्रारंभ काल माना गया है। तो इस वर्षा ऋतु में देखेंगे तो पूरी जगह पे प्रकाश तो रहेगा लेकिन धूप नहीं रहेगी। सूर्य नारायण जी का दो दो तीन तीन दिन तक हमें दर्शन नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। पूरी जगह पे पानी पानी पानी, थोड़ा सा ठंडा ठंडी हवा रहेगी और थोड़ा जो वातावरण रहेगा वो थोड़ा सा गीला गीला सभी जगह पे रहेगा। तो इस वर्षा ऋतु में हमारे शरीर की जो अवस्था रहेगी वो कैसी रहेगी, उसके हिसाब से हमारे आयुर्वेद में भी कुछ बहुत सारे विचार हमें देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद के कुछ नियम और हमारे धर्मशास्त्र के कुछ नियम ये इकट्ठा चलते हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र ने हमारे आरोग्य का भी विचार किया है, हमारे सेहत का भी विचार किया है और धर्म का भी विचार किया है। यानी हमारी सेहत तो बनी रहे, हमारी तबीयत तो अच्छी रहे, हमारा शरीर का अंदर का जो कार्य है वो अच्छा रहे, और जो ऋतुमान बदल रहा है, जो ऋतु चल रहा है, उसका कोई बुरा असर हमारे शरीर पे न होए, इसीलिए हमें कुछ नियमों से हमारा धर्मशास्त्र बांध के रखता है। तो जो नियम से हमें बांधा जाता है उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं विध्यात्मक विधेयात्मक, ऐसा बोलते हैं। यानी जो विधि ने बताया, जो धर्मशास्त्र ने बताया, उसको बोलते हैं विध्यात्मक, वो तो करना ही चाहिए। जैसे कि पूजा करनी चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, अचमन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ये सब विध्यात्मक होता है, क्योंकि ये करना ही चाहिए, ये शास्त्र ने बताया ही है और ये करना ही होता है, तो विध्यात्मक होगा। और कोई जो हमें नियम रहते हैं हमारे यहाँ, वो जो होते हैं निषेधात्मक, यानी इस ऋतु में कौन कौन से चीजों का निषेध किया है। यानी कि जैसे हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि यदि श्रावण मास आएगा तो श्रावण मास में दूध पीना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता। श्रावण मास में हरी सब्जियां खाने में अच्छी नहीं रहती, वो हमारे सेहत के लिए श्रावण मास में अच्छी नहीं रहेगी। भाद्रपद मास आएगा तो हम भाद्रपद मास में दधि का सेवन नहीं कर सकते। यदि अश्विन मास आएगा तो अश्विन मास में दूध का ज्यादा सेवन नहीं कर सकते। और कार्तिक मास आएगा तो उनमें द्विदल धान जो अनाज होता है
उनका सेवन हम नहीं कर सकते। तो ये जो होता है ये हमारे सेहत का विचार करके ही ये नियम हमें बताए गए हैं, क्योंकि ये चातुर्मास में यदि हम निसर्ग में देखेंगे तो धूप नहीं रहेगी, सूर्य भगवान का दर्शन नहीं होगा, तो जैसे भी हवा में से गर्मी निकल जाएगी और नमी बनी रहेगी तो हमारा जो अग्नि जो होता है शरीर में वो भी मंदाग्नि अपने आप हो जाता है, और जब अग्नि मंद हो जाएगा तो वात भी बढ़ जाता है। तो जिस पदार्थों से वात बढ़ेगा वो पदार्थ इस ऋतु में खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए धर्मशास्त्र ने भी बताया यदि चातुर्मास शुरू हो रहा है तो बैंगन की सब्जी मत खाओ, ये चातुर्मास में बैंगन खाना उचित नहीं है, ऐसा हमारे यहाँ बताया। क्यों? क्योंकि बैंगन जो होता है वो बैंगन वात प्रधान सब्जी है, बैंगन खाने से हमारा वात ही बढ़ता है, और हमारे यहाँ आयुर्वेदिक वैद्य ऐसा बोलते हैं कि बैंगन हजम होने में बहुत कठिन है, इसलिए हमारे जो चयापचय क्रिया है वो मंद होती है इस ऋतु में, तो बैंगन खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता। इस ऋतु में प्याज और लहसुन खाना भी वर्ज किया है, क्योंकि ये भी वात प्रधान ये सब्जियां है, तो इसको भी इसका भी निषेध किया है, ये भी खाना उचित नहीं। यदि हम श्रावण मास में यदि दूध पियेंगे तो हमारे सेहत के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा, तो वो शिव दूध तो ज्यादा निर्माण होगा गायों के पास से, तो ज्यादा हुआ जो दूध है वो शिवजी बोलते हैं वो दूध हमें दे दो और हमें उसका अभिषेक करो, तो शिवजी को अभिषेक सावन मास में दूध का होता है। देखो जो आपके शरीर के लिए विष है वो शिवजी के लिए अमृत है, तो शिवजी बोलते हैं कि इस ऋतु में दूध पीना तेरे लिए विष समान है, तो वो विष समान दूध तू क्यों पीता है, वो मुझे दे दे, मुझे उसका अभिषेक करो, तो मुझे उसका अभिषेक करो यानी शिवजी को अभिषेक करके हम दूध का उपयोग अच्छा कर सकते हैं, यानी शिवजी का अभिषेक भी हो जाता है, उसका भी हमें पुण्य मिलता है, और हमें दूध शिवजी का तीर्थ लेते ही नहीं तो हमें दूध पीने का उसमें कोई चांस ही नहीं मिलने वाला, तो ऐसा विचार हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में किया हुआ हमें नजर आएगा। तो कोई होता है विधेयात्मक यानी विधि ने जो बताया है वो करना पड़ता है, और कोई चीजें ऐसी होती है कि उसका निषेध इस चातुर्मास में किया है, तो विधि क्या है और निषेध क्या है उसका भी विचार हमको चातुर्मास में अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि इस चातुर्मास में यदि हम कोई नियम करेंगे कोई विधि ने जो बताया है वही खाएंगे पियेंगे, और जो निषेध बताया है वही सब पदार्थ चातुर्मास में यदि हम छोड़ेंगे तो हमें उसका लाभ हमारे शरीर को ही होने वाला है और उससे हमारी सेहत ही अच्छी होने वाली है। इस ऋतु का कोई गलत असर हमारे शरीर के ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये विधि और निषेध का पालन कर रहे हैं। तो इसीलिए जिसमें वात ज्यादा होता है वही पदार्थ इस चातुर्मास में वर्ज किए हुए हमें दिखते हैं। जो हम ये पदार्थ यदि हम खाएंगे तो जिन्होंने खाए है उनका अनुभव यही है कि वो पदार्थ खाने से हमारी सेहत या आरोग्य बिगड़ जाता है। तो इसीलिए वात प्रधान यदि हम पदार्थ कोई छोड़ेंगे और पूरे चार मास तक यदि छोड़ेंगे तो ये भी हमारा व्रत हो सकता है, तो इसे भी हम चातुर्मास व्रत बोल सकते हैं। यदि हम ऐसा तय करेंगे कि हम पूरे चातुर्मास में बैंगन की सब्जी नहीं खाएंगे, बैंगन नहीं खाएंगे, प्याज और लहसुन नहीं खाएंगे, तब भी हमारा चार मास तक व्रत होने वाला है, तो इसी को हम बोलेंगे चातुर्मास्य व्रत। और भी जो ऐसा है
कि यदि हम निसर्ग में देखेंगे तो ऐसा हमें दिखने को मिलेगा कि जो फल दूसरे ऋतुओं में यानी वर्षा ऋतु छोड़कर दूसरे ऋतुओं में जो फल अच्छे लगते हैं वही फल यदि हम वर्षा ऋतु में खाएंगे तो उसकी कुछ टेस्ट जो रहती है वो अच्छी नहीं रहती, वो थोड़ी बिगड़ी हुई रहती है, थोड़ी पानी पानी जैसी उसकी टेस्ट लगती है। तो बहुत सारे सब्जियां भी ऐसी होती है, बहुत सारे फल भी ऐसे होते हैं कि दूसरे ऋतु में तो वो अच्छे लगते हैं लेकिन इस ऋतु में यदि हम खाएंगे तो उसकी टेस्ट हमें अच्छे नहीं मिलती। इसीलिए निसर्ग का भी विचार हमारे यहाँ धर्मशास्त्र ने या विधि ने किया है, तो इसीलिए ये सभी नियम हमें दे दिए हैं। तो चातुर्मास में आहार के ऊपर बहुत ही हमारे धर्मशास्त्र ने ध्यान दिया है। आप इस चातुर्मास में क्या खाए, क्या न खाए, कैसे खाए, कब खाए, ये सभी का विचार हमारे यहाँ आयुर्वेद में भी आया है और हमारे धर्मशास्त्र में भी आया है। देखने को ऐसा मिलता है जैसा आयुर्वेद में कहा है वैसा ही धर्मशास्त्र में आता है, यानी के धर्मशास्त्र में हमारे आरोग्य का, सेहत का पूरा विचार भी आता है और हमारे पुण्य का भी विचार इस धर्मशास्त्र में आता है। तो इस चातुर्मास में पूरे चार मासों में जितने हमें नियम का पालन करना सहज हमें सहज वो जम जाता है तो वही नियम हम अवश्य पालन करें तो अच्छा रहेगा। जो जिस नियमों की हमारे यहाँ पालन करने की शक्यता है वही नियम हम पालन कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा नियम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक नियम रखो, दो नियम रखो, तीन नियम रखो, कोई भी नियम रखो, उसके साथ उपासना भी रखो, उसके साथ भी व्रत भी रखो तो हमें ज्यादा फायदा होने वाला है। तो भोजन के बारे में हमारे यहाँ पूरा विचार इस चातुर्मास में आता है। भोजन हम करते हैं तो हमारे यहाँ इस भोजन के नियम को यदि हम देखेंगे ना तो ये पूरा डाइट के नियम ही हमें लगते हैं। जैसे कि यदि हम कोई जिम में जाएंगे, कोई वैद्य जी के पास जाएंगे और कोई हमारा वेट जो है वो बढ़ा हुआ है तो हमें कम करना है या तो वेट बढ़ाना है तो हमारे यहाँ डाइट के कुछ नियम वो जिम का ट्रेनर जो होता है वो देता है, या तो जो कोई वैद्य जी जिनकी औषधि हम ले रहे हैं वो दे देते हैं। वो नियम हम यदि हम देखेंगे और ये भोजन के नियम देखेंगे तो एक प्रकार का ये अच्छा सा डाइट ही है। ये करने से हमारे दो चार प्रकार के लाभ हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है अपने आप हमारा डाइट भी हो जाएगा तो हमारा वजन नहीं बढ़ेगा। इतना ये भोजन के नियम हम पालन करेंगे तो हमारी चयापचय क्रिया अच्छी रहेगी, पूरा जो खाएंगे हम वो उनका उस अन्न का हजम हो जाएगा और उसका हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा फायदा ही होने वाला है। तो इसीलिए श्रावण मास में भोजन के ऊपर पूरे विचार किए हैं। इस चातुर्मास में कैसे भोजन करें उसके कुछ नियम है हम बताएंगे, उसके ऊपर कुछ विचार करेंगे। जैसे कि इस चातुर्मास में एक नियम आता है जैसे कि एक भुक्त रहना। एक भुक्त यानी पूरे दिन में हम तो वैसे तो देखा जाए तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं हमेशा खाते ही रहते हैं, कुछ लोग होते हैं दिन में दो बार तीन बार खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर भोजन करते हैं, शाम को फिर कुछ थोड़ा नाश्ता करते हैं, फिर रात को भोजन करते हैं। ऐसा चार बार खाने वाले भी लोग हैं, तीन बार खाने वाले भी लोग हैं, दो बार खाने वाले भी लोग हैं, लेकिन ये इस चातुर्मास में हम ऐसा व्रत ले सकते हैं एक भुक्त यानी पूरे दिन में हम एक ही बार भोजन करेंगे, दूसरी बार हम भोजन नहीं करेंगे। या तो दिन दोपहर करेंगे या तो शाम को करेंगे लेकिन पूरे 24 घंटे में एक ही बार हम भोजन करेंगे। इसको बोलते हैं एक भुक्त व्रत। ये भी हो सकता है, यह कितना बहुत
बड़ा डाइट हो गया, एक ही बार यदि हम कुछ डाइटिशियन बोलते हैं कि दिन में दो ही बार खाना है और दोपहर को या शाम को ही खाना है, बाकी कुछ भी नहीं खाना और कुछ भी नहीं पीना, ऐसा एक डाइट बताते हैं, वो हमारे सेहत के लिए, हमारे बहुत सारे व्याधियों के लिए अच्छा है, ऐसा भी बताते हैं, तो ये कितना अच्छा डाइट है कि हम एक ही बार भोजन करेंगे पूरे 24 घंटे में, तो इसको बोलते हैं एक भुक्त व्रत। और ये पूरे चातुर्मास तक हम ये व्रत रख सकते हैं, एक भुक्त व्रत। दूसरा होता है मिश्र भोजन, यानी मिश्र भोजन यानी क्या, जो भी सब्जी है, चावल है, रोटी है, सब जो हम परोस के लेते हैं थाली में भोजन के लिए, वो सब इकट्ठा करना, जैसे गोपाल काला हो जाता है ना, वैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जैसा करते हैं हम, उस वैसा ही सभी जो इकट्ठा करके एक खाना है, इसको बोलते हैं मिश्र भोजन, यानी के खारा कोई मीठा या तो तीखा या तो जो कोई उसकी जो भी टेस्ट होगी वो सभी हम इकट्ठा करेंगे और उसको खाएंगे, तो इसको बोलते हैं मिश्र भोजन। तीसरा एक जो होता है उसको बोलते हैं मौन भोजन, यानी भोजन के समय कोई बातचीत नहीं करना। हमारे यहाँ ऐसा कहा है कि भोजन करते समय खाली गोविंद 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 ऐसा बोलते बोलते भोजन करने के लिए कहा है, या तो भगवान का नाम ले, या तो गुरु का नाम ले, या तो अच्छे विचार मन में करे और भोजन करे, तो इसकी उसका परिणाम हमारे अन्न के ऊपर भी हो जाएगा, हमारे मन के ऊपर भी हो जाएगा, हमारे सेहत के ऊपर भी हो जाएगा, तो मौन भोजन कहा है। और दूसरा एक बताया है कि अयाचित, यानी हम किसी को मांगेंगे नहीं, जो यदि हम मांगेंगे तो अयाचित नहीं होगा, किसी को हम कोई मांगेंगे नहीं, जो कोई हमें मिलेगा वही खाएंगे और दिन निकालेंगे और तृप्त रहेंगे, इसको बोलते हैं अयाचित। और एक होता है एक वाड़ भोजन, यानी एक ही बार हम यदि थाली में परोसेंगे तो उतना ही खाना है, ज्यादा दूसरी बार तीसरी बार कुछ भी यदि कोई अच्छा लगेगा तो दूसरी बार तीसरी बार हम नहीं ले सकते, इसको बोलते हैं एक बार भोजन, एक ही बार हम परोसेंगे, तो ये भी नियम हो सकता है। तो एक नियम हो सकता है एक भुक्त, यानी एक बार हम भोजन करेंगे, दूसरा एक नियम हो सकता है मिश्र भोजन, यानी सब इकट्ठा करके हम खाएंगे, ये भी एक नियम हो सकता है। तीसरा नियम क्या हो सकता है, भोजन करते समय हम मौन रखेंगे, ये तो आसान तरीका है, ये हम कर ही सकते हैं, और चातुर्मास में ही क्यों, हमेशा भोजन में हम ये नियम रख सकते हैं कि हम भोजन करेंगे तो वो नीचे अल्टी पाल्टी मार के बैठेंगे और नीचे बैठ के ही भोजन करेंगे, ये तो नियम हम ले सकते हैं। हम चार मास तक टेबल कुर्सी के ऊपर नहीं बैठेंगे, वहां पे भोजन नहीं करेंगे, नीचे बैठ के ही हमें भोजन करना है, ये भी नियम ले सकते हैं आप, ये तो नियम आसान है। देखो जिनको कुर्सी को बैठने कुर्सी के ऊपर बैठ के ही भोजन कर सकते हैं शरीर की व्याधि के कारण, वो नीचे बैठ नहीं सकते, उनके लिए नहीं, लेकिन जो नीचे बैठ सकते हैं वो ऐसा भी नियम ले सकते हैं कि पूरे चातुर्मास में हम अल्टी पाल्टी मार के नीचे बैठ के ही भोजन करेंगे और भोजन करते समय हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, पूरा मौन रखेंगे, ये तो नियम अच्छा रहेगा। इसमें तो खाने का कोई कम नहीं, ज्यादा नहीं, कोई नियम नहीं, इतना ही नियम है, तो ये हम जरूर कर सकते हैं। इसका विचार करें, इसका भी अच्छा परिणाम हमें मिलने वाला है, करके देखने के बाद हम बोल सकते हैं कि इसका मेरे ऊपर क्या परिणाम हो गया, मेरे शरीर के ऊपर क्या परिणाम हो गया, मेरे मन के ऊपर क्या परिणाम हो गया। यदि हम मौन भोजन करने लगेंगे तो घर में जो हमारी पत्नी है, बीबी है, या माता पिता है, या हमारे बच्चे हैं, इनके ऊपर ही इसका क्या असर हो गया, कोई तो असर होगा हमारे कुटुंब के ऊपर, गृह के ऊपर, कोई तो असर होगा हमें जो परोसते हैं उनके ऊपर, कोई ना कोई तो मानसिक रूप से, विचार के रूप से, सेहत के रूप से, उसके अच्छे तो हमें रिजल्ट मिलने ही वाले हैं।
तो इसीलिए ये तो नियम हम ले सकते हैं कि हम मौन से भोजन करेंगे, नीचे बैठ के भोजन करेंगे, कुर्सी टेबल के ऊपर नहीं भोजन करेंगे, ये तो नियम हो सकते हैं। एक ही बार हम थाली में परोस के लेंगे उतना ही खाएंगे, दो बार खाएंगे लेकिन एक बार जितना परोसा होगा उतना ही खाएंगे, दूसरी बार कोई चीज हम नहीं मांगेंगे, ये भी नियम हो सकता है। तो भोजन के ऊपर हमारे यहाँ बहुत सारे चर्चाएं आती है और हमारे यहाँ नियम आते हैं, और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हमें मिलते हैं कि वो ऐसे नियम पालने वाले हैं, केवल चार मास तक नहीं, वो पूरे जिंदगी में ऐसे नियम रखते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पता है कि जो एक ही बार उन्हें परोसा जाता है उतना ही वो भोजन करते हैं, कितनी भी अच्छी चीज होगी, कितना भी अच्छा पदार्थ होगा तो दूसरी बार वो नहीं मांगेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ है। तो हम एक बार परोसा हुआ अन्न खा सकते हैं, मिश्र मौन भोजन करने वाले भी बहुत सारे हमारे यहाँ परिचित, मेरे भी परिचित लोग हैं। आप मौन भोजन करके देखो, हमारे यहाँ ऐसा कहा है कि वदनी कवल गेता नाम गया श्री हरि से, सहज हवन होते नाम गेता पुकार से। यानी हम कवल यानी जब ग्रास हम मुख में लेते हैं अन्न का, वदनी यानी मुख में, वदनी कवल गेता नाम गया श्री हरि से, यानी हम जब ग्रास लेते हैं मुख में तो भगवान जी का नाम ले लो, नाम गया श्री हरि से, सहज हवन होते नाम गेता पुकार से। देखो ये आप भोजन कर रहे है ना, वो सहज ही अपने आप हवन ही हो जाता है। कैसे हवन हो जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः, हमारे यहाँ जो वैश्वानर नामक अग्नि है उसी को वो आहुति प्रदान की जाती है, तो हमारे एक यज्ञ भी हो जाता है। सहज हवन होते नाम गेता पुका से, जीवन करी जीवितवा अन्न है पूर्ण ब्रह्म। और ये हमें पूरा जीवन पूर्ण ब्रह्म, इसके ही ऊपर हमारा जीवन है, तो अन्न ही हमारे यहाँ पूर्ण ब्रह्म है, और इसीलिए जीवन करी जीवित्वा, और हमारा जीवन जीने के लिए चलने के लिए ये बहुत आवश्यक है, और ये परब्रह्म है। जीवन करी जीवित्वा अन्न है पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो है जानिजे यज्ञ कर्म। खाली हमारा पेट भर जाए और हमारा भोजन हो जाए इसीलिए हम नहीं भोजन करते, जानिजे यज्ञ कर्म, ये भोजन हम कर रहे हैं ना एक प्रकार का यज्ञ ही होता है, वो हमारे भीतर वाले अग्नि को और हमारे शरीर में जितने भी सारे देवताएं विराजमान है उन्हीं के लिए वो हम जो अन्न खाते हैं ना उसी अन्न की आहुति हो जाती है। देखो इतना सारा विचार भोजन के पीछे आता है, और ये सभी विचार हमारे यहाँ ये चातुर्मास नियम में हमारे यहाँ धर्म शास्त्रों ने दिए है, तो इनका जरूर विचार करना चाहिए। जो जो नियम हम पाल सकते हैं उसका आचरण कर सकते हैं उसी के ऊपर जरूर विचार करें। और देखो जो भी कोई नियम आपको रखना है वो नियम देवशयनी एकादशी यानी आषाढ़ शुद्ध एकादशी से लेके पूरे चार मास तक, यानी देव प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक मास की शुद्ध एकादशी तक वो नियम हम यदि रखेंगे तो उसको बोलते हैं चातुर्मास व्रत, ऐसा बोलते हैं। तो ये ऐसे नियम, इसके ऊपर हमने चर्चा की, और भी इसके आगे वाले वीडियो में इस भोजन के ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे और क्या क्या है भोजन के बारे में नियम, इसके बारे में भी हम जानकारी अवश्य लेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, मेरे चैनल को जुड़े रहे, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकॉन दबाए, उसमें भी ऑल सिलेक्ट करें ताकि मेरे सभी वीडियो आपके यहाँ आ सकेंगे और खुल सकेंगे और आपको कोई ना कोई जानकारी मिल सकेगी। यदि आपको कोई प्रश्न होगा तो वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, जैसे भी हमें समय रहेगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास जरूर करूंगा। नमो भगवते वासुदेवाय।